चाकू से गला रेत कर दी खौफनाक मौत। बेड के नीचे मिली पति पत्नी की लाश। यूपी के कानपुर में 5 महीने पहले ही की थी शादी, आखिर लव मैरिज करने वाले इस कपल को किसने उतारा मौत के घाट। कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि लाखों के मिल जाने से भी उसी एक की कमी कभी पूरी नहीं होती। और यहाँ तो लोगों ने एक ही परिवार के दो दो शख्स को खो दिया। इतना ही नहीं बल्कि दोनों को ऐसी भयावह मौत दी गई जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। किसी अपनों के खो जाने की गम में रोती बिलखती ये महिला कानपुर से है। चाहे डबल मर्डर केस से पूरा कानपुर मानो सिहरसा गया। गुरुवार सुबह यानी 19 मई को सवेरा सभी के लिए नॉर्मल था, लेकिन शिवा और उसके परिवार के लिए दिन बहुत ही मनहूस होने वाला था। रमेश तिवारी जी का घर है जिसमें ये लोग किराए पे रहते थे। पूरे मकान में करीब 6 किराएदार थे और करीब 20-25 लोग रहते थे। रात्रि में ये लोग मैच वगैरह देखते थे और सुबह उसके पिताजी ने इन्फॉर्म किया कि रात को घटना घटित हो गई, उनको किसी चाकू से बेटे और बहू की हत्या कर दी। आपको बता दें कि शिवा तिवारी और जूली राजपूत यूपी के रहने वाले थे और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इश्क की गहराई में डूबे आशिक अपनी आशिकी को नाम देने की सोचने लगे। फिर तो क्या था, दोनों ने आपस में बात कर प्लान बनाया और साथ ही फैमिली को बताने का मन भी। शिवा ने जब घर में अपने प्यार का जिक्र किया तो इस पर उसके पिता दीप कुमार तिवारी भड़क गए और फौरन इस शादी के लिए मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर जूली ने जब अपने घर में शिवा के बारे में बताया तो सभी लोग मान गए और शादी के लिए हामी भर दी। ये कोई आपसी रंजिश या पारिवारिक रंजिश या उस वो नजर आ रही है, क्योंकि सभी चीजें एकत्रित और बहुत ही गरीब परिवार है तो लूटपाट की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपसी कोई रंजिश या दुश्मनी से लग रहा है। बहरहाल शिवा जूली ने साल 2021 के दिसंबर में शादी की। शिवा के परिवार वाले शुरुआत से ही इस शादी के खिलाफ थे, नतीजन शादी में शामिल भी नहीं हुए, जबकि लड़की का पूरा परिवार दोनों की शादी में मौजूद था। शादी की बात तो शिवा के परिवार ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन जूली को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। इसी के साथ जूली भी पति शिवा के साथ साथ ससुराल वालों को अपनाने लगी, लेकिन इसी दरमियान समय ने ऐसी करवट ली कि एक झटके में मानो सब खत्म हो गया। शादी की कुछ महीनों के बाद ही आखिर ऐसा भी क्या हो गया जिससे दोनों इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। दरअसल शिवा के पिता दीप कुमार तिवारी ने बताया कि उनके दो बेटे थे जिसमें छोटा बेटा दिमागी तौर से बीमार था, जिसके कारण उसका खासा ख्याल रखना पड़ता था। इतना तक कि उसकी खाने पीने से लेकर सोने तक की तैयारी परिवार के लोगों को ही करनी पड़ती थी। तभी वारदात वाली रात में शिवा के पिता छोटे बेटे के साथ छत पर सोने चले गए। दूसरी ओर उनका बेटा शिवा और बहू नीचे अपने कमरे में सो रहे थे। गुरुवार की सुबह जब शिवा के पिता बहू बेटे के रूम में गए तो वहाँ का मंजर देख उनकी होश फाकता हो गए। दरअसल उन्होंने कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा देखा। फिर तो इसके बाद फौरन मकान मालिक और अन्य लोगों को जानकारी दी गई और बिना देरी के मौके वारदात पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि शिवा जूली की लाश कमरे के बेड के नीचे से बरामद कर ली गई थी और पुलिस के मुताबिक दोनों का कत्ल किसी धारदार चाकू से किया गया था। आपको बता दें कि पति पत्नी यानी शिवा और जूली की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस की सुई परिवार के लोगों पर ही टिकी हुई है, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा इस डबल मर्डर के पीछे कौन था और आखिर उसका मकसद क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम तक।